क्या कैंसर का इलाज संभव है? क्या कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाता है? नमस्कार, आज इस वीडियो में हम कैंसर के सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैंसर में जो एक कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है सर्जरी, जिसमें ऑपरेशन करके कैंसर की गांठ को निकाल दिया जाता है। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें सर्जरी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर या आंत का कैंसर, हेड एंड नेक का कैंसर, और भी कई कैंसर हैं जिसमें ऑपरेशन करके गांठ को निकाल दिया जाता है। कैंसर में जो एक दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन इस्तेमाल होता है वो है रेडिएशन थेरेपी। अगर किसी मरीज की सर्जरी करके अगर गांठ निकाल दी जाए तो कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि कैंसर की गांठों में कुछ जड़ें रह जाती हैं। कैंसर में ये आमतौर पर एक ये समस्या देखी गई है कि उसमें जड़ें होती हैं जिससे वह वापस ग्रो कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएशन में लेज़र बीम का इस्तेमाल होता है जिससे कैंसर की जड़ों को जला दिया जाए ताकि कैंसर दोबारा वापस नहीं आए। कई बार कुछ गांठें इतनी बड़ी होती हैं कि सर्जरी से नहीं निकाल सकते, या कुछ ऐसी जगहों पे बॉडी में होती हैं जहाँ पे सर्जरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसी जगहों पे या ऐसी स्थिति में रेडिएशन करके पूरे के पूरे ट्यूमर को ही जला दिया जाता है। जो अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब है एंटी कैंसर दवाइयों का प्रयोग कैंसर सेल्स को मारने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जहां ऑपरेशन करके गांठ को निकाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा भी कैंसर्स में होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशंस में कैंसर सेल्स छोड़ते हैं जिसकी वजह से कैंसर वापस आ सकता है। ऐसे मरीजों को ऑपरेशन के बाद हम कीमोथेरेपी देते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी ब्लड सर्कुलेशन में जाती हैं और वो ऐसी सारी कैंसर सेल्स को मार देती हैं जिसकी वजह से कैंसर के वापस आने का चांस कम हो जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट में जो एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है इम्यूनोथेरेपी। अब कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिनसे ये पॉसिबल है कि हम कैंसर को रोक सकें। ये दवाइयाँ काम करती हैं बॉडी की अपनी इम्यूनिटी को वापस स्टिमुलेट करती हैं ताकि बॉडी की जो कैंसर से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाए और कैंसर कम हो जाए। कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जैसे कि फेफड़े का कैंसर, किडनी का कैंसर और एक प्रकार का स्किन कैंसर जिसे कि मेलानोमा कहते हैं। इन कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी काफ़ी कारगर इलाज सिद्ध हुई है। अब हम बात करेंगे टारगेटेड थेरेपी के बारे में। देखिए, कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें ढेर सारे जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं या जीन्स में होते हैं। इसमें से बहुत सारे म्यूटेशंस या जेनेटिक चेंजेस को हम टारगेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी जांचें हैं जिनको कि हम एडवांस मॉलिक्यूलर टेस्ट बोलते हैं। उनके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कैंसर किन किन रास्तों से बढ़ रहा है और हम टारगेटेड थेरेपी के द्वारा इन्हीं रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि लंग कैंसर है, उसमें टारगेटेड थेरेपी बहुत कारगर सिद्ध हुई है। अब हम बात करेंगे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे मरीज का ब्लड बदल दिया जाता है ताकि उसके ब्लड में जो भी कैंसर है वह पूरी तरह ठीक हो जाए और वापस न आए। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है या ऑपरेशन है, लेकिन यह ऑपरेशन नहीं है। स्टेम सेल या बोन मैरो चढ़ाने का जो तरीका है वह ब्लड या रक्त चढ़ाने के तरीके से मिलता जुलता है। तो आज हमने जाना कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या सुझाव हैं तो कमेंट्स में मेंशन करिए और चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।